फिल्म फेयर अवार्ड्स की हैरान कर देने वाली दास्तानों में जरा चलते हैं सन 1974 में। ये वो साल था जब एक से बढ़कर एक फिल्म आमने सामने थी बेस्ट फिल्म के अवार्ड के लिए। नॉमिनेशंस थे राज कपूर की फिल्म बॉबी, गुलजार की फिल्म कोशिश, प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर, उठो साहब, सभी को लग रहा था कि ये वो तीन फिल्में हैं जो ये अवार्ड ले जाएंगी। कोशिश फिल्म में जया बच्चन और संजीव कुमार का अभिनय देखते ही बनता था। जंजीर ने एंग्री यंग मैन की इमेज एस्टैब्लिश की थी। फिल्म बॉबी में टीनेज रोमांस सबके दिल में घर कर गया था, पर बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला अनुराग को। जी, उस बरस शक्ति सामंता की फिल्म अनुराग ले गई बेस्ट फिल्म का अवार्ड, और इस बात ने काफी हैरान किया। और बरसों बाद जब हम पलट के देखते हैं तो वाकई हैरानी होती है। कोशिश, बॉबी और जंजीर, इन तीनों से आगे निकल गई थी अनुराग, जिसमें मौसमी चटर्जी और विनोद मेहरा ने जबरदस्त अभिनय किया था और कहानी भी बड़ी ही मर्मस्पर्शी थी। फिल्म फेयर अवार्ड से जुड़ी और भी ऐसी अनोखी दास्तानें आने वाले एपिसोड्स में।